इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब मैं इंपॉर्टेंट कहती हूँ तो उसका क्या मीनिंग होता है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट? अदरवाइज आप भूल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये सॉल्व होगा। हमारे पास है एक्स क्यूब ई रेज टू पावर 5x dx। थोड़ा सा लेंथी है, ज्यादा लेंथी भी नहीं है, लेकिन क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले हमने क्या करना है, u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करना है। इसको आप u कंसीडर करें, यानी फर्स्ट फंक्शन, और याद रहे कि फर्स्ट फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं फॉर्मूले में, ये v है। फॉर्मूला में एक दफा आपके लिए दोबारा यहां लिख देती हूँ, u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस डबल इंटीग्रल ऑफ v dx d by dx of u into dx, right? तो इसी में जहां जहां आपके पास u आएगा वहां हमने x cube लिखना है। और x, इसको मैंने v क्यों नहीं consider किया? देखिए, v में हम u consider करेंगे तो इसका हमें derivative लेना होगा, तो इसकी power reduce होती जाएगी और question easy हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको v consider करूंगी तो इसकी integration करनी होगी, और integration में आपको पता है एक power add हो जाती है, x4 हो जाएगा, फिर x5 हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, बल्कि खत्म भी नहीं होगा। तो आपने खुद डिसाइड करना होता है, इसलिए हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव में यहाँ ये कोएफिशिएंट बन जाएगा, पावर रिड्यूस हो जाएगी और हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, राइट? चलें स्टार्ट करते हैं। जहां पे आपको यू होगा इस फॉर्मूले में, वहां हमने एक्स क्यूब लिखना है, वी की जगह एक्स फाइव लिखना है। एक्स क्यूब इंटीग्रल ऑफ ई फाइव एक्स माइनस सॉरी डी एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ई फाइव एक्स डी एक्स और डी बाय डी एक्स यू, यू हमारे पास है एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। एक दफा दोबारा बता दूं, ये दो दफा मैं डी एक्स लिखती हूँ, एक यहां लिखा एक यहां लिखा, क्योंकि ये डबल इंटीग्रल है, एक इसको रिप्रेजेंट करता है एक इसके लिए है, राइट? एक्स क्यूब आपके पास एज इट इज हो जाएगा। ई रेज टू पार 5x की इंटीग्रेशन कैसे होती है, आपने e रेज टू पार 5x एज इट इज लिखना है। ये जो 5 है इससे आपने इसको डिवाइड करना है, ये ऐसे होती है, कुछ भी हो, e रेज टू पार 6x और 4y और जो भी है, आपने उसको एज इट इज लिखना है, डिवाइडेड बाय जो भी इसका इसके साथ कोएफिशिएंट है वेरिएबल के साथ, उससे आपने इसको डिवाइड करना है। ये ऐसे हो गया, माइनस एक इंटीग्रल रहेगा और एक की इंटीग्रेशन एग्जैक्ट सेम ऐसी ही होगी, क्योंकि ये v dx है। और इसका डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा, डेरिवेटिव देखें, ये पावर कोएफिशिएंट बन जाती है और एक पावर रिड्यूस हो जाती है, ये हो गया। अब क्या है, अब आप इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब ई रेज टू पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस, इसमें से 3/5 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल लें, बाकी रह जाएगा ई रेज टू पावर 5x इंटू एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब देखें ये सेम हो गया, ये भी रेज टू पर 5x, यहाँ x क्यूब था, यहाँ x स्क्वायर हो गया। फिर हमने यहाँ u और v का फॉर्मूला लगाना है, जब तक हमने लगाना है जब तक हमारे पास ये सिंगल फंक्शन नहीं रह जाएगा। तो अब क्या होगा, ये आपके पास एज इट इज होगा, x क्यूब e रेज टू पर 5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3/5। देखें ये 3/5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, इसलिए मैं ऐसे लिख लेती हूँ। अब क्या है, u है आपके पास एक्स स्क्वायर, v है, बिल्कुल इसी फॉर्मूले को फॉलो करना है। अब आपने इसके लिए e रेज टू पार 5x माइनस डबल इंटीग्रेशन e रेज टू पार 5x dx d by dx किसका लेना है, अब u हमारे पास ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर dx, तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब e रेज टू पार 5x, ये एज इट इज हुआ क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है, 3/5 भी फिलहाल हम ऐसे ही लिखते हैं, इसको आप देख लें, ये हो जाएगा x स्क्वायर और e रेज टू पार 5x सेम डिवाइडेड बाय 5 माइनस ये इंटीग्रल e रेज टू पार 5 क्योंकि डबल इंटीग्रेशन है और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, इसका आप डेरिवेटिव ले लें 2x इंटू डी एक्स। देखें ये 3/5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, राइट? अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास,
x cube over 5 e raised to power 5x minus 3 over 25 x square e 5x plus 6 over 25 e raised to power 5x x into dx. अब मैं आपको बताती हूँ ये मैंने कहाँ से लिखा. ये देखें, ये एज इट इज हुआ, ये हमने एज इट इज लिखा. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 5x डिवाइडेड बाय 25. तो यहाँ मैंने डिवाइडेड बाय 25 लिखा है. फिर ये देखें, ये माइनस है, मैंने कहा ये आपका इस सबको मल्टीप्लाई कर रहा है. ये माइनस 3 ओवर 5 है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया. 3 2 टाइम्स 6, क्योंकि यहाँ से हम 2 ओवर 5 कॉन्स्टेंट है, हम बाहर निकालेंगे. आप चाहें तो एक स्टेप और भी कर सकते हैं. 5 5 टाइम 25 हो गया, तो इस तरह ये हो गया 6 ओवर 25 इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर 5x x. अब यहां देखें, ये फिर प्रोडक्ट है, हमने फिर u एंड v का फॉर्मूला लगाना है. और यहां आप देखें इसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद हमें नहीं करनी होगी इंटीग्रेशन. देखें ये हमारे पास पूरा सॉल्व हो गया है, इसको आप एज इट इज लिखें. मैथ्स में काम आपने बहुत नीट क्लीन करना होता है, सफाई से, कभी भी एरर नहीं होगी. 6 ओवर 25, अब देखें ये 6 ओवर 25 इस सब को मल्टीप्लाई करेगा, इसलिए मैं इसको लिखती हूँ. और यहाँ आपने u इंटू v का फॉर्मूला लगाना है. u आपके पास है x इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर 5x dx माइनस डबल इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 dx dy, सॉरी d ओवर dx, आपने x का डेरिवेटिव लेना है अब, और जो कि 1 आ जाएगा. x क्यूब ओवर 5 e रेज टू पावर 5x माइनस 3 ओवर 25 x स्क्वायर e रेज टू पावर 5x प्लस 6 ओवर 25, अभी एज इट इज रखें, अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे. तो ये जाएगा x राइट e, इसकी हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सेम डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक इंटीग्रेशन साइन, इसको हमने इंटीग्रेट करना है 5x ओवर 5 और डेरिवेटिव इसका आपने 1 लिया राइट इनटू, हम इसको कर लेते हैं. चलें यहां देखें अब क्या होगा, x cube over 5 e raised to power 5x minus 3 over 25, ये हमारे सॉल्व हो चुके हैं इसलिए हम इसको as it is लिखेंगे. प्लस अब देखें इससे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 6x e raised to power 5x और 25 5 times 125. फिर हमारे पास आया minus 6 over 125, ये देखें 6 ओवर, क्योंकि ये 1 ओवर 5 यहां हम कॉमन ले लेंगे राइट, सॉरी कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे. तो मैं एक स्टेप ये डायरेक्ट मैंने यहां कर दिया है, जो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और इसकी इंटीग्रेशन जो है, इसकी इंटीग्रेशन अभी रह गई थी e रेज टू पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 प्लस c हो जाएगी राइट. देखें ये मैंने एक स्टेप मुझे यहाँ और करना चाहिए था, वो क्या था कि यहाँ मैंने 6, ये 6 है और ये इसमें से देखें 1 ओवर 5, यहाँ हमने इसको बाहर लेना था, अंदर रह जाता e रेज टू पावर 5x, फिर इसकी इंटीग्रेशन करनी थी. तो मैंने ये एक स्टेप डायरेक्ट यहाँ कर दी है. अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन है आप मुझसे जरूर पूछिए कि ये कहाँ से आया है राइट. अब क्या है, अब आप इसमें से चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन देखें e रेज टू पावर 5x 5x e रेज टू पावर 5x सब में है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास e रेज टू पावर 5x डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास ये कॉमन आ गया. और यहाँ रह गया हमारे पास x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर ओवर 5 प्लस 6x ओवर 25 माइनस 6 ओवर 125 प्लस 6, ये इसका आंसर है.
राइट देखें क्या था यहाँ पे, बस ये आपने जरा ध्यान करना है कि किसको आपने फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको सेकंड फंक्शन लेना है। आप याद रखें हमने u को क्यों फर्स्ट फंक्शन लिया था, इसलिए लिया था क्योंकि इसकी वैल्यू सॉरी इसकी पावर रिड्यूस होगी। अगर हम इसके इंटीग्रेशन करेंगे, इसको v सेकंड फंक्शन लेंगे तो इसकी पावर इंक्रीज होगी और क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आंसर भी नहीं आएगा। हमें क्वेश्चन को सिंपल करना है, ना कि कॉम्प्लिकेटेड करना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।